भाई जी दोस्तों, आपको ये पानी दिखाने का मकसद ये था कि ये जो पानी है ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये प्योरली पानी है, गटर का पानी। और ये है, हम आई एच चंडीगढ़ रोड पे खड़े हैं। आई एच चंडीगढ़ रोड पे तकरीबन एक महीना हो गया ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और पानी जो है ड्रेन होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ के सारे गटर जो हैं वो भरपूर भरे हुए हैं। यहाँ पे इस रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ी तो गुजर जाती है, लेकिन बाइक गुजरना जो है इतना मुश्किल हो गया है कि सुबह ही यहाँ पे दो लड़के जो है पानी में गिर गए गड्ढे की वजह से। तो बेचारों के कपड़े भी ख़राब हो गए, उनके ऑफिस का जो भी सामान था वो सब उसमें गिर गया। ये तकरीबन महीना हो गया इस रोड को, और मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ है, पूरा एक बैंक बना हुआ है, हमारा स्टेट बैंक की स्ट्रीट है, अपना अल्फला बैंक बना हुआ है, कॉर्पोरेट ब्रांच बनी हुई अल्फला की, और इस गटर को कोई सही करवाने वाला नहीं है। मतलब गवर्नमेंट देख रही है इसको, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है इसके खिलाफ। मेन आई है चंडीगढ़ रोड पर बना हुआ ही है, और यहाँ से ये रेलवे फाटक भी लगता है। मतलब ये तो इंतहा हो गई ना, महीना हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई आवाम की मुश्किलात को हल करने वाला नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए, और इस गटर लाइन को एटलीस्ट थोड़ा सा सही किया जाए। यहाँ पे बिजनेस हब है आपका, और कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, तो थोड़ी सी नज़रसानी हो जाए ज़रा तरीके से कराची के ऊपर, बड़ी मेहरबानी होगी। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।